दोस्तों आज बात करेंगे हम बॉलीवुड की ऐसी सात प्रेम कहानियों के बारे में जो बेहद दर्द भरी है, जिनमें से कुछ तो पूरी भी नहीं हुई तो कुछ पूरी होने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों बॉलीवुड की फेमस लव स्टोरी में सबसे ऊपर आती है ऐश्वर्या और सलमान खान की कहानी। इस कहानी में ऐश्वर्या का दिल ऐसा टूटा कि आज तक जुड़ नहीं पाया। दोस्तों सलमान खान और ऐश्वर्या राय का अफेयर बॉलीवुड के कुछ सबसे फेमस रिलेशनशिप में से एक रहा है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी आगे चलकर बेहद करीब होती गई। ऐश्वर्या ने सलमान खान पर मारपीट का आरोप लगाया। मीडिया में भी रिपोर्ट्स है कि फिल्म चलते चलते के सेट पर ना सिर्फ सलमान ने ऐश्वर्या से मारपीट की बल्कि फिल्म के हीरो शाहरुख से भी उनकी काफी बहस हो गई थी। उस समय ऐश्वर्या राय के माता पिता ने सलमान खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। कंगना रनौत, आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के संबंध काफी दिनों तक सुर्खियों में रहे हैं। कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में आदित्य पंचोली के साथ अपने कड़वे रिश्ते के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी। कंगना ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि कैसे आदित्य ने उन्हें बंधक बना लिया था जबकि वो उस समय नाबालिग थे। आदित्य ना सिर्फ कंगना से उम्र में काफी बड़े थे बल्कि शादीशुदा भी थे। दोस्तों फिर आता है जिया खान। जिया खान की खुदकुशी का मामला मीडिया में कई दिनों तक सुर्खियों में रहा है। जिया की मां का आरोप है कि उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के चलते ही जिया ने खुदकुशी की। अजीब बात यह है कि सूरज के पिता आदित्य पंचोली का नाम भी इस लिस्ट में है। दोस्तों फिर आता है करिश्मा कपूर। संजय कपूर से शादी के 13 साल बाद करिश्मा कपूर ने यह कहते हुए तलाक ले लिया था कि उनके पति उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो वही संजय ने आरोप लगाया कि करिश्मा ने सिर्फ उनसे पैसों के लिए शादी की थी। दोनों का इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालना मीडिया कई दिनों तक सुर्खियों में रहा है। फिर आता है प्रीति जिंटा। मशहूर उद्योगपति नेस वाडिया और प्रीति जिंटा का अफेयर साल 2005 में शुरू हुआ था। उस समय प्रीति अपने करियर के शिखर पर थी लेकिन जैसे जैसे प्रीति के करियर का ग्राफ नीचे गया नेसा के साथ उनके संबंधों में भी खटास आती गई। नेस और प्रीति आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब के को ऑनर थे। साल 2014 में प्रीति ने नेस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद इस मामले ने मीडिया में खूब सुर्खियों बटोरी। फिर आता है सलमान खान। इस लिस्ट में सलमान खान अकेले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका दो बार नाम इस लिस्ट में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार कैटरीना के कपड़ों को लेकर सलमान इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। डिंपल कपाड़िया, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया के बीच कई बार झगड़ों की खबरों ने सुर्खियों में जगह बनाई है। राजेश खन्ना के खराब स्वभाव के चलते ही शादी के 11 साल बाद ही डिंपल उनसे अलग हो गई थी। दोस्तों आपको इस दर्द भरी प्रेम कहानियों में से किनकी कहानी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।